किसान आंदोलन पर महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार जगह आदि होने के वजह से कोई हल नहीं निकाल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के भूमिका के खिलाफ जाकर बड़ी हिम्मत दिखाई है। हमने पहले से ही किसान आंदोलन को समर्थन किया है। नागपुर मेट्रो में 2,500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, ये कहना है, इसकी जांच हो, ऐसी मांग आज नागपुर के वैरायटी चौक पर जय जवान जय किसान संगठन द्वारा किए आंदोलन कर की है। जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने कहा कि नागपुर मेट्रो में 2500 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। हमारे देश में कोई भी जांच एजेंसी इतने बड़े घोटाले की जांच नहीं करती, इसलिए अब हम इस घोटाले की जांच की मांग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से करवाना चाहेंगे। जय जवान जय किसान संगठन की ओर से मंगलवार को वैरायटी चौक में आंदोलन किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में किया प्रदर्शन, आज बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी की ओर से संविधान चौक पर केंद्र सरकार की ओर से पास किए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया। उनका कहना है कि सरकार की ओर से पास किए यह कानून किसान विरोधी हैं, जिससे सरकार किसानों पर थोप रही है। जहां एक और कृषि कानूनों को केंद्र सरकार किसानों के हित में बता रही है, वहीं राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी देश के 550 जिलों में आंदोलन पर उतर गया है। आज नागपुर के संविधान चौक पर भी राष्ट्रीय किसान मोर्चे की ओर से 8 दिनों का आंदोलन आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के सभी जिलों से लोग शामिल हुए हैं।